السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى طيبين الطاهرين ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، پیارے نوجوانوں، پردہ نشین محترم خواتین، دینی ماؤں بہنوں، اس وقت ہم لوگ جس شخصیت کے محاسن کو بیان کرنے کے لیے جڑے ہیں، وہ شخصیت ہم سب کے سامنے عیاں ہے اور ہم سب کے سامنے ان کی زندگی ہے. ہم نے ان کو چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، ہنستے ہوئے، روتے ہوئے، جاتے ہوئے، آتے ہوئے، غم و علم کو برداشت کرتے ہوئے، شب و روز ہمارے سامنے گزارتے ہوئے ہم نے دیکھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجال بنا کر صحابہ کو چھوڑ گئے. جس وقت صحابہ کا انتقال ہوا، تابعین نے کہا کہ ہم بھی رجال بن کر دکھائیں گے. اللہ کے رسول نے صحابہ کو مرد بنا کر چھوڑا، جن کی شہادت قرآن نے دی، رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ. تو تابعین نے کہا ہم صحابہ کو حشر کے میدان میں بتائیں گے، وہ بھی اپنے پیچھے مردوں کو چھوڑ کر گئے ہیں. تو کہا نحن رجال وہم رجال، ہم بھی مرد ہیں اور صحابہ بھی مرد تھے. اور پھر تابع تابعین نے کہا ہم اپنے اساتذہ کو، اپنے پیشواؤں کو، اپنے امیروں کو، اپنے مربیوں کو، اپنے شیخ کو یہ بتائیں گے، انہوں نے بھی اپنے پیچھے رجال چھوڑ کر گئے ہیں، چنانچہ ان کے نقش قدم پر وہ بھی چلے. چلتے چلتے جیسے جیسے دور گزرتا گیا، مرد کم ہوتے چلے گئے، مرد کم ہوتے چلے گئے. جن کو مرد کہا جائے، جن کو قرآن نے مرد کہا، جن کو حدیث نے مرد کہا، جن کو حضور نے مرد بنایا، جن کو تابعین نے مرد بنایا، جن کو تبع تابعین نے مرد بنایا، وہ مرد کے مردوں کی تعداد کم ہوتی چلی گئی. ان وہ مرد علاقوں میں کوئی ایک رہ گیا ہے، انہی میں سے ایک مرد جناب حاجی حسین صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے،
दर्जात बुलंद फरमाए, आलाइलीन में मकाम नसीब फरमाए। अल्लाह ने उनकी जिंदगी को एक अजीब नमूने की और मिसाली जिंदगी देकर गए अल्लाह ने बनाई। इसीलिए फरमाया अल्लाह अपने वलियों को कभी माल नहीं देता, ये लिख कर रखो, अल्लाह कभी अपने वलियों को कभी माल नहीं देता। यानी अजीब बात उलमा ने कहा है, सहाबा की लोग मुख्तलिफ करामात बयान करते हैं, सहाबा की करामतों में सबसे बड़ी करामत यह है उन्होंने माल की तरफ कभी भी ललचाई हुई नजर भी नहीं डाली। यह करामतों में सबसे बड़ी करामत। अमीर बनकर काम करना कोई कमाल नहीं, अमीर बनकर शाकिर बनना कोई कमाल नहीं, सहूलत वाला बनकर जिंदगी गुजारना कोई कमाल नहीं, सहूलत वाला बनकर दावत का काम करना कोई कमाल नहीं। अल्लाह ने घर भी दिया हो, सवारी भी दी हो, तमाम तरह की सहूलतें मुहैया किए हो, फिर भी दिन का काम कर रहा है, उसका इतना कमाल नहीं है जितना कमाल हजरत सहाबा में जो फुकरा थे उनका कमाल है। इसीलिए क्या कहा हुजूर ने, ए अमीर सहाबा गिने चुने थे, कहा फुकराए सहाबा से 500 साल बाद तुम जन्नत में जाओगे। हालांकि वो भी सहाबी हैं, ये भी सहाबी हैं, वो भी मुखलिसीन में हैं, ये भी मुखलिसीन में हैं, वो भी मुजहीन हैं, ये भी मुजहीन हैं, वो भी बरगुजीदा हैं, ये भी बरगुजीदा हैं, वो भी रजी अल्लाह अन्हु हैं, ये भी रजी अल्लाह अन्हु हैं। मकाम और मर्तबे में कोई फर्क नहीं, लेकिन सरकार ने फरमाया ए अब्दुर्रहमान तुझे हिसाब देते देते 500 साल बाद तू जन्नत में आएगा। तो इस वक्त हम सब दाई जरूर हैं, लेकिन मरहूम ने जो कुर्बानी देकर गए हम सबसे 500 साल पहले आगे बढ़ गए। ये कोई मामूली मकाम नहीं है, ये कोई मामूली दर्जा नहीं है, ये कोई मामूली अल्लाह की तरफ से कबूलियत नहीं है, ये इस्तकामत। अल इस्तकामतु खैरुम मिन अल्फ करामा। हमारे अजीजम मौलाना अब्दुल गफूर साहब ने चंद बातें बताई, उन्होंने यूं कहा यूं हुआ, यूं कहा यूं हुआ, यूं कहा यूं हुआ, रुब अशअसी लव अक्सम अल्लाह लअबरअ। हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया परागंदे बाल वाले, परागंदे लिबास वाले, परागंदे दाढ़ी वाले, परागंदे हुलिया वाले अल्लाह पर भरोसा करते हुए कोई बात कह देते हैं अल्लाह उसकी लाज रख लेता है, अल्लाह लाज रख लेता है। मैंने ये दूसरी मिसाल ऐसी सुनी है। इससे पहले हमारे एक मरहूम जानी आलम साहब का इंतकाल हुआ, उन्होंने कहा मेरी कब्र में सिर्फ मस्जिदवार जमात के साथी उतरेंगे। जिस वक्त जनाजा आया, मिसाल बयान कर रहा हूं तवज्जो चाहता हूं, जनाजा आया उनके बेगम के घर वाले पूरे गैर मुखल्लिदीन, उन्होंने चार मीनार जाकर इमाम साहब को दावत देकर इमाम साहब की टोली लाए ताकि नमाज जनाजा उनसे पढ़वाएं। अब मैं शाह वलीउल्लाह में पढ़ा रहा था, जनाजे में शिरकत के लिए आया, इत्तेफाक से जल्दी आ गया। जल्दी आ गया मतलब क्या, नमाज में आ गया, वरना जनाजा खड़े होने के बाद आने का वक्त था, वो इतनी ट्रैफिक थी, मैं आ गया नमाज में शरीक हो गया। मौलाना उजैर साहब ने कहा मुफ्ती साहब पूरे गैर मुखल्लिदान चार मीनार से आपको ही क्या करना। मैं जाकर देखा जनाजा है, जनाजे के सामने इमाम साहब खड़े हुए हैं, पूरी जमात बंदी हो गई और उन्होंने वसीयत में लिखा था मेरी जनाजे की नमाज, मेरी जनाजे की नमाज दावत के उलमा पढ़ाएंगे। मेरा नाम लिखा, अगर मैं हो तो मैं, यानी तो उजैर साहब या कोई और। वो बात मुझे बाद में मालूम, मुझे नहीं पता ये सब बातें, मुझे पता नहीं अल्लाह ने कहां से हिम्मत दी इमाम साहब के सामने जाकर खड़ा हो गया। मैं कहने लगा भाई सब बंदी करो, सब बंदी करो, पूरी सब बंदी हो गई। इमाम हक्का भक्का देख रहा है, अरे मेरे सामने आकर ये खड़ा हो गया, जबकि मेरी दाढ़ी भी उस वक्त छोटी थी, मैं भी दुबला पतला था, मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने कहा सब बंदी करो, और किसी ने उफ नहीं कहा। सब बंदी हुई, नमाज जनाजा हो गई, जनाजा लेकर हम मस्जिद पहुंच गए, कब्रिस्तान पहुंच गए। तदफीन अमल में आते वक्त पूरे गैर मुकल्लिद अंदर उतर गए। अब जनाब इन्होंने कहा था मस्जिदवार जमात,
यहां सब चार मीनार अंदर उतर गए हैं, चार मीनार अगर अंदर उतर जाएं, भाई दूसरे आदमी को जगह कहां मिले। तो अब हम लोग हजरत मरहूम निसार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह वो भी मौजूद है, कहने लगे क्या मुफ्ती साहब करना सो, क्या क्या भी नहीं कर सकते हजरत, अल्लाह से कहते भी करना सो। थोड़ी देर में चलते चलते जो जो मुसाफिर तलबा स्कूल छोड़कर जा रहे थे, जाते जाते उन्होंने शहद के मक्खियों पर पत्थर फेंका, तो शहद की मक्खियां क्या की, जिन जिन के सरों में टोपी नहीं सबके सरों में घुस गए, और जो टोपी वाले थे सब बैठ गए, जो टोपी नहीं थी सबके सरों में मक्खियां घुस गई, सब खबर से निकलो भागो, खबर से निकलो भागो, खबर से निकलो भागो। ऐसा हंगामा दूसरे दिन पेपर में आ गया, नील संदर के कब्रस्तान में कियामत का मंजर। 20-25 मिनट के बाद जिस वक्त हम लोग बैठे हुए थे और उठे, उठकर जब देखे तो क्या देखते हैं, सबके सब मस्जिदवार जमात के साथी 17 अफराद रह गए, सब गायब, 125-150 का मजमा था, सब गायब। कलंदर हर से गोयद दीद गोयद, कलंदर हर से गोयद दीद गोयद, इत्तकु फिरासत अल्मुमिन फइन्नहु यंजुर बिनूरिल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन की फिरासत से डरो, वो देखता है तो वो अल्लाह के नूर से देखता है। ये बच्चे जो बयान कर रहे थे अजीबोगरीब बात, उन्होंने उन्होंने गोया यूं समझो अपने जनाजे का मंजर देख चुके थे कि एक इज्तिमा का माहौल होगा। कौन बुलाया उनको कीनिया से दावत देकर, किसने इत्तला दी कीनिया को, कितने बुलाया उनको। आम तौर पर जनाजों में कोई बुजुर्ग शिरकत करने के खाहा नहीं होते, इल्ला ये कि उनके कोई मुहसिन हो, उनसे उनके कोई मुतालिक हो, उनके कोई रिश्तेदार हो। ऐसे ही मौके पर कोई इंसान ये चाहता है कि मैं उनके जनाजे में शिरकत करूं। मैं भी उस वक्त सफर में था, मुझे इत्तला मिली कि भाई ऐसा ऐसा मामला पेश आया, ताजियत के लिए मैंने थोड़ी देर फोन तो कर ही लिया, हालांकि बड़ी ताखीर से मुझे इत्तला मिली। अलगर्ज मैं अर्ज करना चाहता हूं, अब वो जो मंजर नजर आया आप जरा अंदाजा लगाइए, वो इनकी फिरासत नहीं थी तो और क्या थी, फिरासत नहीं थी तो और क्या थी। इसलिए कहा किसी इंसान को जाहिर को देखकर तोलो मत, किसी इंसान के जाहिर को देखकर बोलो मत, किसी इंसान के जाहिर को देखकर फैसला करो मत, उसका अल्लाह के नजदीक क्या मकाम है तुम्हें नहीं पता चलता। इसलिए एक वली कामिल का दुनिया से रुखसत हुआ है, दावत का काम के सिलसिले में अवारिफुल मारिफ में शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं, अगर कोई बंदा सिर्फ ये दुआ करे अल्लाहुम्मरहम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मरहम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मतहन्न उम्मत अला उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ दुआ करता रहे या अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया पर रहम फरमा, या अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया पर एहसान फरमा, या अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया पर करम फरमा, उम्मत मोहम्मदिया को हिदायत नसीब फरमा, खाली दुआ करे 25 मरतबा रोजाना दुआ करे तो अल्लाह उसको विलायत की मौत नसीब करेगा। खाली क्या करे तो बोलो भाई, अरे बोलो तवज्जो चाहता हूं, क्या करे तो, क्या करे तो बोलो, जरा जोर से बोलो क्या करे तो, खाली दुआ, खाली दुआ, सिर्फ दुआ पर अल्लाह ताला उस बंदे को जो मर्तबा देंगे वो विलायत का मर्तबा। अगर मेहनत करे तो अल्लाह क्या देंगे। उसी को उन्होंने बयान फरमाया, ए अल्लाह, हज़रत मौलाना इलियास साहब की वो बात याद करो, इस काम करने वालों का रुतबा और मर्तबा, मकाम और दर्जा लोगों के सामने पर्दे में रख दे, इनकी विलायत लोगों को पता ना चले, इनकी बुजुर्गी लोगों को पता ना चले, इनकी इनके कुतुब और अब्दाल होने का दर्जा लोगों को पता ना चले, इनकी कबूलियत लोगों को पता ना चले, ये कौन है, ये क्या है, इनका मकाम क्या है, लोगों को पता ना चले, सबको पर्दे में रख दे। लेकिन ये बात वाजह तौर पर हम लोगों को समझना है, ये उस दाई के सिलसिले में है जो दाई के अंदर चार बातें ना हो। नंबर एक, गंदी जुबान, गंदी जुबान वाला दाई ये तसव्वुर अपने दिमाग से निकाल दे, मैं भी एक बुजुर्ग से कम नहीं हूं,
अल्लाह गटर में कोई पाक मछली को छोड़ता है? तेरा मुंह जब तक गंदा रहेगा, तेरा मुंह नहीं, तेरा मुंह संडास बन गया, मुंह संडास। इसी तरह गंदा दिमाग, गंदा दिमाग सबके बारे में बुरा सोचने वाला, ये कभी दाई हरगिज हरगिज बन नहीं सकता। गंदा दिमाग, गंदी जुबान, गंदे हरकतें और हराम खोरी, नंबर चार क्या है? नंबर तीन गंदी हरकतें, हरकतें गंदी हैं, गंदे लोगों की सोहबत, गंदे लोगों से मुलाकात, गंदे लोगों से इसका उठना बैठना, और नंबर चार हराम खोरी, हलाल और हराम की तमीज किए बगैर हराम खाता रहता। जो भी आया जजाकल्ला जजाकल्ला, जमात को खिला दो लो भाई, हल्लो रखो दबा लिए, जमात को खिला दो लो भाई, रखो दबा लिए, जमात को खिलाओ भाई, रखो दबा। ये सब छत्रियां ये दर्जे पर नहीं पहुंच सकते, विलायत के दर्जे पर हरगिज नहीं पहुंच सकते, लेकिन मरहूम इन तमाम चीजों से पाक थे। जिस वक्त मौलाना ने मुझे बताया कि उनके जनाजे में अखियार भी थे, वो लोग जिनको इन्होंने डांटा, जिनको इन्होंने टोका, जिन पर इन्होंने अपना गुस्सा दिखाया, वो भी जनाजे में थे। ये बात सुनो, जो बंदा इखलास के साथ कहता है अल्लाह जिसको कहता है, कह रहा है, उनके दिलों में मोहब्बत पैदा करेगा का सिवा कभी उसके दिल में नफरत पैदा नहीं हो सकती। क्यों? ये इसने जो कहा किसे राजी करने के लिए कहा? अरे बोलो भी, किसे राजी करने के लिए कहा? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए। और जो अल्लाह को राजी करने के लिए कहता है उसकी मोहब्बत बढ़ती है, अजमत बढ़ती है, अल्लाह उसकी कदर दिल के अंदर बढ़ा देता है। आज नहीं तो कल उस बंदे को जरूर समझ में आएगा जिसको कहा गया मरहूम ने जो कहा वो सच कहा, मरहूम ने जो कहा वो सच कहा, मुझे तो ये हरकतें छोड़ देनी चाहिए, मुझे तो ये बातें छोड़ देनी चाहिए, मुझे तो ये अकीदा छोड़ देनी चाहिए, मुझे तो ऐसे ऐसे माहौल छोड़ देना चाहिए। ये तमाम बातें आकर वो ताइब बनेगा जब आज नहीं तो कल। इसलिए कहा गया मुखलिसीन की दावत कभी खत्म नहीं होती। बोलो, अरे बोलो जल्दी जल्दी बोलो, मुखलिसीन की दावत कभी खत्म नहीं होती। अल्लाह मुखलिसीन की दावत उनके नस्लों से चलाते हैं, उनके शागिर्दों से चलाते हैं। उसकी जगह पर किसी ना किसी अल्लाह का बंदा, उसका फिक्रमंद ऐसा खड़ा करेंगे जो उसके मिशन को लेकर आगे बढ़ेगा। उसकी नस्ल कभी खत्म नहीं होगी। इन शानिया का हुवल अबतर, जिस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद नरीने औलाद के इंतकाल हुए, एक इंतकाल, दो इंतकाल, तीन इंतकाल, चार इंतकाल, पांच इंतकाल, कितने बच्चे इंतकाल हुए? पूरे पांच बच्चे इंतकाल हुए। ये जश्न मना रहे थे कुफारे कुरैश, कहने लगे अंत अबतर या मोहम्मद, मोहम्मद तू तो अब कटा हुआ नस्ल वाला हो गया, तेरी नस्ल तो नहीं आगे बढ़ने वाली, तेरी नस्ल कट गई, तेरी नस्ल कट गई, तेरी नस्ल कट गई, तेरी नस्ल खत्म हो गई। अल्लाह ने ये पेशन गोई दिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन सब के सामने ये आयत पढ़कर सुना दीजिए, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन शानिया का हुवल अबतर। जो आपको कह रहा है आपकी नस्ल खत्म हो गई, आप उससे कह दीजिए कि आपके दुश्मनों की नस्ल खत्म हो गई। अब जरा मैं पूछता हूं, कहीं ना कहीं अबू जहल की औलाद आपको नजर आ रही है? रहा तो भी कौन भी बोलता नहीं, कौन तो भी आज तक सामने साहब मैं अबू जहल की औलाद हूं दुआ करो और बोले क्या? बोलते ही हमें क्या करते हैं जूते लेको कौन थे भी आज तक आको मैं अबू लहब के औलाद हूं दुआ करने बोलिया है? बोलो भाई, खत्म। उतबा की नस्ल खत्म, शैबा की नस्ल खत्म, तमाम जितने दुश्मनान इस्लाम थे सबकी नस्ल अल्लाह ने खत्म कर दिया। लेकिन आज भी सैयद हैं कि नहीं है? बोलो, अरे बोलो भाई, हैं कि नहीं है?
सैयदों में अल्लाह ने इतनी बरकत दे दी, हर 10 में एक सैयद मिलता है। ओरिजिनल तो 100 में एक ही होगा, लेकिन डुप्लीकेट सब सैयदा बन गए, सब सैयदा बन गए, सब सैयदा बन गए। उन्हें आता चम्बू शुक्र, मैं सैयद हूं। नमाज पढ़ते हैं जी, बेनमाजी सैयद नहीं होता, याद रखो। सैयद बेनमाजी नहीं होता, सैयद हराम खोर नहीं होता, सैयद बेहया नहीं होता, सैयद शराबी नहीं होता, सैयद कभी भी सुन्नतों का मुखालिफ, सुन्नतों की से नफरत करने वाला हरगिज नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि हम तो सैयद के लिए हर नमाज में दुआ करते हैं। क्या करते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على पढ़ते कि नहीं पढ़ते? जब पूरी दुनिया आले मोहम्मद के लिए दुआ करे, आले मोहम्मद गुमराह हो जाए, हो सकता है बताओ? आले मोहम्मद बेरीश हो जाए, हो सकता है बताओ? आले मोहम्मद नक्शे इब्राहिम पर चलने से दूर हो जाए, हो सकता है बोलो? आले मोहम्मद मिल्लत इब्राहिम से हट जाए, हो सकता है बोलो? नहीं हो सकता। तो अल्लाह ने सरकार की नस्ल को चलाने का फैसला किया और सिर्फ एक जोड़ा हजरत फातिमा और हजरत अली, हजरत अली के दादा अब्दुल मुत्तलिब, हजरत फातिमा के दादा अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल्ला, यहां अब्दुल मुत्तलिब इनके दादा, इसके हजरत अली के और हजरत फातिमा के परदादा अब्दुल मुत्तलिब, दोनों की एक ही नस्ल, एक ही खून, एक ही खानदान। उस एक खानदान से अल्लाह ने इतना ज्यादा बरकतें अता फरमाई, जहां कहीं देखो आपको हसनी और हुसैनी नजर आएंगे। हालांकि करबला में उन पर यजीद ने हमला किया कि नहीं किया? अबे यजीद ने उनको शहीद किया कि नहीं किया? करने के बावजूद आज भी सैयद हैं कि नहीं है? जिसको अल्लाह रखे उसको कौन? नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदा जन, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। इसी तरह अगर एक अगर हुसैन, अगर एक हाजी हुसैन का इंतकाल हुआ है तो आप लोग ये मत समझो हुसैनी खत्म हो गए, नहीं। एक हाजी हुसैन का इंतकाल सवों के हुसैनियों को पैदा करने का सबब है, सवों के हुसैनियों को वजूद में लाने का सबब है। एक की मौत सौ की हयात बननी चाहिए, एक की मौत हजार की हयात बननी चाहिए, एक की मौत 5000 की हयात बननी चाहिए, एक की मौत सौ करोड़ की हयात बननी चाहिए। इसीलिए मैं आज आप हजरात से यह कहना चाहता हूं, एक हुसैन साहब का इंतकाल हुआ है, सब हुसैन साहब की पिछिन लेकर चलेंगे कि नहीं चलेंगे भाई? अरे चलेंगे, नहीं चलेंगे। बुजदिल मत बनो, मरना तय है। बुजदिल भी मरेगा, बहादुर भी मरेगा। वो बात याद करो मोहम्मद फतेह अली टीपू की, गीदड़ की 100 साल जिंदगी से, गीदड़ 100 साल जी रहा है, उसे थूक को भी कौन भी देखते नहीं। उसके जनाजे में जिस वक्त अहमद बिन हंबल का इंतकाल हुआ, उससे पहले क्या कहा था जरखरीद मुफ्ती ने? अहमद मान ले, अहमद मान ले, अहमद फतवा वापस ले ले। कह दे कलामुल्लाह मखलूक है, कह दे क्या फर्क पड़ता? माला माल हो जाएगा, इज्जतों से, शराफतों से, मकामात से, मर्तबों से नवाजा जाएगा। हजरत अहमद ने फरमाया, इब्ने हंबल रहमहुल्लाह कल जनाजा बताएगा किसको कितनी इज्जत मिली, कितनी कितनी जिल्लत मिली। अहमद इब्ने हंबल का जनाजा, उनको शहीद किया गया, उनको सूली पर चढ़ाया गया रात के अंधेरे में, एक दो ढाई बजे के दरमियान, ताकि किसी को खबर ना हो। फजर की जनाजे में, फजर की नमाज में जनाजे की नमाज पढ़ाई जाए, फौरन दफन कर दिया जाए। ना जमाना व्हाट्सएप का, ना मीडिया का, ना न्यूज का। अल्लाह ने उनकी मौत की खबर
ऐसी फैलाई ऐसी फैलाई, फजर की नमाज में 7.5 लाख का मजमा। करने वाली जात किसकी? और वो हराम खोर मरा, जिस वक्त मरा घर के सिर्फ 3 अफराद, घर के 3 अफराद, जनाजा उठाने के लिए कितने लोग चाहिए भाई? तो चौथा आदमी को किराए पे लिया गया। जर खरीद गुलाम का नतीजा अल्लाह ने बताया, मुखलिस की मोहब्बत अल्लाह ने बताई। लोग कहते मत कहो मत कहो, आज भी लोग कहते हैं नहीं मौलाना ये सब मत बोलो, क्यों? लोग नफरत करेंगे, लोग नफरत करेंगे, लोग नफरत करेंगे, लोग बुरा समझेंगे, लोग ऐसा समझेंगे। इसी तरह हुसैन साहब को भी कितने बार लोगों ने कहा होगा, नको मौलाना अमीर साहब ऐसा बोलो नको, न अमीर साहब ऐसा बोलो नको, अमीर साहब ऐसा करो नको। किसी की परवाह किए बगैर रहने की जात, ये हुजूर की हिदायत है। ला यखाफून लौमत लाइम, ला यखाफूना लौमत लाइम, किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह सहाबा करते ही नहीं थे। इन्हों क्या बोलेंगे, उन्हों क्या बोलेंगे, उन्हों क्या बोलेंगे, इन्हों क्या बोलेंगे, मुझे पैदा करने वाला क्या बोलेगा? तेरा नाम हुसैन रखे ना बा, कहीं को रखे सो चुप 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 ले को फिरने के वास्ते। हुसैन करबला में जैसा यजीदियों के सामने सर नहीं झुकाए, ए हुसैन तेरे लिए ये तेरा नाम पहला पैगाम है, जिंदगी में कभी तू सर नहीं झुकाना किसी भी यजीदी के सामने। वही पैगाम हाजी हुसैन साहब ने सबको देकर अल्लाह के प्यारे हो गए। सब करोगे इंशाल्लाह, यजीदी बनकर जियोगे या हुसैनी बनकर जियोगे? बोलो क्या बनकर जियो? दावत का काम यजीदी बनकर करोगे या हुसैनी बनकर करोगे? इंशाल्लाह बोलो, क्या बोलना बोलो भाई। अल्लाह अकबर। मौत पर ये शहादत है, मौत ने ये क्या कहते हैं, मन मात मबतूनन, पेट के दर्द पेट की तकलीफ पेट की इल्लत से जो बंदा दुनिया से रुखसत होता है, फहुवा शहीद। हदीस पाक में मुस्तनद हदीस है, वो शहादत की मौत मरा है। आप लोग कहेंगे हजरत करबला में हुसैन शहीद हुए, इन्हों कहां शहीद हुए? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अल्लाह ने बता दिया, अल्लाह के बंदो इंतकाल का सबब क्या बना? पेट बना। और पेट का सबब को हुजूर ने बता दिया, किसी बीमारी को हुजूर ने पॉइंट आउट नहीं फरमाई, पेट क्यों अलग से आपने बयान फरमाया, मन मात मुगरीकन फहुवा शहीद, मन मात मरीजन फहुवा शहीद, मन मात मुनहदिमन फहुवा शहीद, आपने उसी में फरमाया मन मात मबतूनन फहुवा शहीद। अगर पेट की बीमारी से कोई इंतकाल होता है वो शहादत का दर्जा पाता है। मातम वो करे जो मुनकिर हो हयात शुहदा के, मातम वो करे जो मुनकिर हो हयात शुहदा के, हम जिंदा जावीद का मातम मनाया नहीं करते, हम नहीं मनाते जिंदा जावीद का मातम। अल्लाह ने शहादत का दर्जा दिया। कुरान कहता है वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, आखिरी दम तक दीन का काम करने वाला फी सबीलिल्लाह में जिंदगी बसर करने वाला, अल्लाह कहता है उनको कभी मैयत मत कहो, उनको कभी। इसलिए हम सब अल्लाह से क्या मांगना है पता है? क्या मांगना है पता है भाई? अरे सुन रहे हो सो रहे हो, आप लोगों को मौलाना का कन्नड़ा ज्यादा समझ में आता है, हमारी उर्दू तो समझ में नहीं आता, पता नहीं समझ में आता कि नहीं आता। तो सब ऐसा बैठे हुए हैं, हजरत कुछ फरमा रहे हैं। जी बिल्कुल, अब मैं पूछूं क्या पता, वो एक पूछो नको। अरे भाई मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही है तो समझने वालों से समझ लो, कर लोगे भाई इंशाल्लाह। इस्तमिउ युस्मा मिनकुम युस्मा मिम्मन यस्मा मिनकुम, हुजूर ने फरमाया सहाबा गौर से सुनो इसलिए कि तुमसे पूछा जाएगा क्या कहा हजरत ने, और फिर तुम्हारे तुमसे भी आगे के लोग पूछेंगे क्या कहा हजरत ने, कहा गौर से सुनो ताकि आगे तक तुम पैगाम पहुंचा सको। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, यह मौत नहीं ये शहादत है। यह क्या नहीं?
इसको मौत मत कहो बल्कि इसको क्या कहो? शहादत। इसको शहादत, इसलिए कि एक इंसान अपनी जिंदगी जीकर जब जाता है बेगर्ज होकर, तवज्जो चाहता हूं, बेगर्ज होकर, जो अगराज वाले मत बनो, सब लोग मुसाफा करे तो भी मतलब का मुसाफा, मुस्कुराए तो भी मतलब का मुस्कुराना, फोन करे तो भी मतलब का फोन, खैर खैरियत मुझे मतलब का मतलब की खैर खैरियत, ये लोग कौन है? टीपू की गद्दारी करने वाली जमात, चापलूसी की जमात, मीर सादिक की, मीर जाफर की, जैसे सिराजुद्दौला के साथ थी, इस तरह की जमात चापलूसियों की, खाली अमीर साहब को तोलते रहती, क्या करती रहती, बोलो किसे तोलते हैं, किसे तोलते हैं? अमीर साहब को। बाज मुदर्रिसीन मोहतमीम साहब को, बाज आइम्मा कमिटी साहेबान को, और दावत के साथी किसको तोलते हैं? अमीर साहब को। ओ तोलने वालों सुनो, असल तोल तो अल्लाह का है। किसका? जो यहां लोगों का तोलेगा उसका तोल अल्लाह के पास बिल्कुल हेच हो जाएगा। लोगों को तोलो मत, वरना तुम्हारी कोई तोल नहीं रहेगी। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा वजन हो, लोगों का तोलना खत्म करो। किसे तोलना खत्म करो? लोगों को तोलना, रोवर तोलते फिरते रहते बाज लोग, ये तोलना पहले क्या करो भाई, खत्म करो। अल तोलना अल्लाह का तोल। وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, हम कियामत के दिन तराजू रखेंगे कौन कितना दमदार दाई है। तराजू में मौलाना उबैदुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, कियामत के दिन अल्लाह ताला जिस वक्त दाइयों को जमा करेगा, काम करने वालों को जमा करेगा, ईमान वालों को जमा करेगा, अल्लाह फहरिस्त, या अल्लाह इन सब दाई जिन दाइयों का अल्लाह के तरफ से एजाज किया जाएगा वो ऐसे दाई होंगे जिनको लोग दाई ही नहीं समझते थे, जिनको लोग क्या नहीं समझते थे, जिन लोगों को दाई समझते थे, इन्हों बहुत बड़े तुरुम खां, वहां फहरिस्त में उनका नाम ही नहीं रहेगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत हो। तुझे जुदा पसंद, मुझे जुदा पसंद। काम करने वाले दो तरह के होते हैं, हर एक है अगराज वाले और एक है इखलास वाले, एक है अगराज वाले, एक है, बोलो भाई, इखलास वाले। अगराज वालों का पसंद अलग है, इखलास वालों का पसंद। तुझे जुदा पसंद, मुझे जुदा पसंद, इखलास वाला कहता है अगराज वाले से, तुझे जुदा पसंद, मुझे जुदा पसंद, तुझे खुद ही पसंद, मुझे खुदा पसंद। तुझे कौन पसंद है? खुद पसंद है। अमीर साहब मेरा बयान, इन्हें अमीर साहब के पीछे कहीं को फिर रहा इसका बयान तय करने, कहीं को फिर रहा इसके अमीर बनाने, कहीं को फिर रहा इसको जिम्मेदार बनाने, कहीं को फिर रहा इसे बेरून भेजने, कहीं को फिर रहा इसे स्टेज में ऐलान देने, क्या देने, क्या देने? तुझे खुद ही पसंद, मैं खुद बड़ा हो जाऊं, मैं खुद बड़ा हो जाऊं, मैं खुद बड़ा हो जाऊं, लेकिन मुझे खुद को पसंद ही नहीं। मुझे तो अपने आप को छुपाना है, मुझे तो अपने आप को मिटाना है, मुझे तो अपने आप को जलील करना है, मुझे तो अपने आप को छोटा करना है। क्यों? मुझे तो कौन पसंद है? मैं रोऊं तो मुझे कौन देखे, मैं हंसूं तो मुझे कौन देखे, मैं बोलूं तो मुझे कौन सुने, मैं चलूं तो मुझे मेरी तरफ कौन मुतवज्जो हो जाए, मैं जिस वक्त इल्तजा करूं किसके सामने करूं, जिसके वक्त मेरा दुख और दर्द रखूं तो किसके सामने रखूं? वो एक ही वक्त है तहज्जुद का। फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मकामन महमूदा। हुसैन साहब की तहज्जुद का जो जिक्र हुआ है वो मकाम महमूद पा चुके हैं।
करोगे इंशाल्लाह। सोमारी बनकर कर नहीं सकते, रात को जल्दी सोने की आदत डालो, कहो इंशाल्लाह। कितने बजे सो जाना? 10 बजे स्विच ऑफ। किसका? जब वहां यहां स्विच ऑफ होगा तब वहां आराम से आप सो सकोगे। उंगलियां कर ले, कोच बोलते हमें लोग, जी उंगली करो नुकु जी, बस जी उंगली करो सुबह से, उंगली करो सुबह से, उंगली करो सुबह से, बोलते कि नहीं बोलते? अरे बोलो भाई, अरे बोलते कि नहीं बोलते? और आज हमारी उंगलियां कहां होती है? बोलो कहां होती है? 24 आवर्स टच। क्या करते रहते हैं? टच। जहां पर यहां हमने टच किया और टच करते ही उधर शैतान खुश हो जाता है। किसे? जैसे किसी को मालिश करने पर खुश होता है कि नहीं होता? जितना आप मोबाइल की मालिश करते रहोगे शैतान खुश होता रहेगा। मोबाइल बंद, शैतान बहुत सदमे में चला जाता है। क्या रे, इन्हें बंद कर डालना, बंद कर डालना, बंद कर डालना, बंद कर डालना। किसे? रवि, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और जो मोबाइल में उंगली करते तहज्जुद पढ़ेंगे वो? नहीं, कहां पढ़ते? फजर भी नहीं पढ़ते, फजर भी नहीं पढ़ते। आज का पैगाम, आज का पैगाम मरहूम की वफात पर हम सबको, वो तो जाहिरन चले गए लेकिन उनकी जिंदगी हमारे सामने हयात है। उनकी जिंदगी हमारे सामने क्या है? वो नहीं है उनकी जिंदगी है, वो नहीं है उनकी बातें हैं, वो नहीं है उनका किरदार है, वो नहीं है उनके अखलाक हैं, वो नहीं है, लेकिन उनकी कुर्बानियां हैं, उनकी जफाकशी है, उनकी हिम्मत है, उनकी बहादुरी है। वो नहीं है लेकिन उनके तालीमात हैं, उनकी नसीहतें हैं, उनकी दावतें हैं और उनकी जमातें हैं। जब वो नहीं है, जब ये है, तो इन्हीं को हम जनाब हुसैन साहब समझ कर पैरवी करते रहेंगे, करेंगे इंशाल्लाह, सब करेंगे भाई इंशाल्लाह, सब करेंगे इंशाल्लाह। मुझे तो इस वक्त में आप हजरात को सिर्फ वही बात कहनी है जो मौलाना यूसुफ सर हमताय ने फरमाया कि तुम में से कौन है जो अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की वफादारी के साथ गुजारेगा, वो अपना अपना हाथ उठाए। किसकी वफादारी के साथ? बोलो। और अल्लाह की वफादारी तो सब जानते कि नहीं जानते भाई? अल्लाह की वफादारी वो है जो हुजूर ने बताई, अल्लाह से गद्दारी वो है जो शैतान ने बताया। तो हमें किसके बनना है? उलाइक हिजबुल्ला, उलाइक हिजबुल शैतान। दो जमातें, अल्लाह से वफा करने वाले हिजबुल्ला होते हैं, अल्लाह से बेवफा करने वाले हिजबुल शैतान होते हैं, और अल्लाह के वफादार करने वाले अल्लाह के दीन का काम करने वाले होते हैं। कौन होते हैं बोलो? अल्लाह का दीन का काम करने वाले, और अल्लाह का दीन का काम करने वाले ये अल्लाह की जमात है। इस वक्त पूरी दुनिया शैतान का काम करने वाली बन चुकी है। इस वक्त एक छोटी सी जमात, एक छोटा सा परिवार, एक छोटी सी अदद ये हमारे पास है जो अल्लाह का काम करने वाले हैं। नीयत करो इंशाल्लाह मरते दम तक अल्लाह का काम करते करते जिएंगे, करते करते मरेंगे, करेंगे भाई इंशाल्लाह। कौन कौन अल्लाह के रास्ते में 4 महीने अब तक नहीं लगा, लगाएगा? खड़े होकर बताओ, जल्दी खड़े होकर, खड़े होकर, हाथ उठाना नहीं, पाव उठाना सो जी, जल्दी 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 जल्दी। 4 महीने जिन जिन के नहीं लगे वो खड़े होकर बताओ। ये तश्कील हाजी हुसैन साहब की इसाले सवाब के लिए है। खड़ो, बिस्मिल्लाह बोलकर खड़ो, जल्दी जल्दी। जो जो बेरून नहीं गए वो बेरून के लिए खड़े हो जाएं। 4 महीने लगाए हुए बेरून नहीं गए, बेरून के लिए खड़े हो जाएं। जल्दी 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 जल्दी, जरा हवा पास होने दो, खड़े हो जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जल्दी जल्दी। वाह 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 वाह। भाई हम लिखे या ना लिखे, कौन लिख लिए बोलो? फरिश्ते लिख चुके अल्लाह के पास, तुम नोटेड हो चुके। अल्लाह के घर में अल्लाह से झूठ बोलोगे? अरे बोलोगे नहीं। अल्लाह ताला फरिश्ते खड़े होने को कबूल फरमा, बैठ जाओ। एक तो ये बातें, माशाल्लाह जितने साथी खड़े अल्लाह उनके नस्लों को कबूल फरमा। आगे सुनो सबसे अहम बात,
अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाह उमर, अल्लाह के मामलात में जरा देखो भाई, अम्र बिल मारूफ तो सब करते हैं। मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगयिरहु बियदी व इन लम यस्ततीफ बिलिसानी व इन लम यस्ततीफ बिकल्बी ज़ालिका ज़ाफुल ईमान। हमारा काम दावत में खैर के बारे में बोलना, क्या बोलना? खैर के बारे में बोलने के लिए इस्तेताअत शर्त नहीं है, सलाहियत शर्त नहीं है, इल्म शर्त नहीं है, और हौसला और हिम्मत शर्त नहीं है। तवज्जो से इस बात को समझे। इसलिए सबको कहा जाता है भाई सब खैर की दावत दो। क्यों? इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, खैर की दावत दो। लेकिन सुनो, शर से रोकना, शर से। इन्ना अरसलनाक शाहिदौ व मुबश्शिरौ व नज़ीरा। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाया, ए हुजूर, हमने आपको जो भेजा है ए नबी अलैहि सलातु व सलाम, शाहिद, आप मुशाहदा करने वाले। हम तर्जुमा क्या करेंगे? आप जब तक बाहयात रहेंगे क्या करेंगे? क्यों? अगली दो सिफतें वो हयात से ताल्लुक रखती हैं, ममात से नहीं। अगर कोई ये इस्तेदलाल करता है शाहिद से मुराद हाजिर, इंतहाई गलत। हम पूछेंगे इसलिए कि अतफ मातूफ एक ही रुख पर चलते हैं, एक ही मतलब के होते हैं। इन्ना अरसलना का शाहिद से मुराद अगर तू हाजिर तर्जुमा करता है, जरा अगला तर्जुमा क्या करेगा? बशीरों व नजीरा का तर्जुमा कैसा करेगा? पता चला बशीर और नजीर आप अलैहि सलातु व सलाम के हयात से ताल्लुक रखती हैं, तो शाहिद से मुराद यहां पर मुशाहदा का तर्जुमा करेंगे, हाजिर का नहीं। क्या तर्जुमा करेंगे? मुशाहदा, आप देखते हैं कौन कौन क्या क्या कर रही है। लेकिन बाज लोगों का दिल वो हिर्स वाला होता है, तो उनको बशारतें सुनाकर, फजीलतें सुनाकर, अच्छाइयां सुनाकर, मकामात सुनाकर, जन्नत सुनाकर, हूर सुनाकर, और उनको मिलने वाली नेमतें सुनाकर आप उनको अमल की तरफ बुलाइए। बाज लोग, उनके अंदर तमा नहीं होता, हिर्स नहीं है, उनके अंदर खौफ होता है, डर होता है, तो आप उनको जहन्नम से डराकर, फकर से डराकर, मुसीबतों से डराकर, हालात से डराकर, अल्लाह की नाराजगी से डराकर, और जहन्नम और कब्र से डराकर उनको आप समझाइए। ये कहते नजीर। बशीर तो तमाम दावत के साथियों को बनना है, कहो इंशाल्लाह। लेकिन नजीर सबको नहीं बनना। सबों में एक को अल्लाह नजीर बनाता है, उनमें से जनाब हुसैन साहब रहिमहुल्लाह। वो बशीर भी थे और बोलो नजीर भी थे। क्या थे? क्या थे बोलो भाई? बशीरों व नजीरा। हुजूर की दो सिफत, बशीर भी थे और क्या भी थे? नजीर भी थे। और हम सिर्फ बशीर बनेंगे, बशीर भाई, बशीर भाई, सबको बशीर भाई बनने की इजाजत है। नजीर भाई सब नहीं बन सकते, सिर्फ उलमा हैं और हिम्मत वाले हैं, हिकमत वाले हैं, हौसले वाले हैं, बुलंदो मर्तबा पाने वाले हैं। जिस तरह सहाबा में बशीर तो सब थे, लेकिन मैदान बदर में सब नजीर हो गए, मैदान उहद में सब नजीर हो गए, तबूक में सब नजीर हो गए, हुनैन में सब नजीर हो गए। लेकिन हम लोगों में बाज अल्लाह ने ऐसी खसूसियात नवाजा है, वो बशीर और नजीर दोनों बन सकता है। उसे चाहिए कि वो बशीर भी बने और चुनाचे एक मिसाल अल्लाह ने जैसा कहा हमारे इलाके के सिफते हजरत उमर के सिफात वाले, तो वाकईतन अल्लाह ने उनके अंदर बशीर की सिफत भी अता की और नजीर की सिफत भी अता की, जिसकी मिसाल आपके सामने मौजूद है। करेंगे इंशाल्लाह भाई, सब करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आगे अर्ज करना चाहता हूं, जब नजीर की सिफत अल्लाह ने हमें दी है, किसी भी खुराफात को देखकर खामोश मत बैठो। सब नहीं,
जिन लोगों को अल्लाह ने नजीर की सिफत से नवाजा, उलमा तो उसमें है ही, हुफ्फाज तो उसमें है ही, पुराने साथी जिनकी बात चलती है उसमें है, नए साथी नहीं, पुराने साथी जिनकी बात चलती है उसमें है। तो उन्हों इलाके में देखें कि लोग क्या कर रहे हैं, झंडे उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ईद मिलाद में, ईद मिलाद तो आने वाला ही नहीं है, और वहां पर जाकर ईद मिलाद में सब के सब अपनी असलियत पर आ जाते हैं। कौन सी असलियत? ये नमाज ये एक्टिंग है, ये जिक्र ये भी एक्टिंग है, ये हज और उमरा ये एक्टिंग है, मेरी असलियत यहां देखो, कुत्ते नाचे सका नाचले के हड्डी, बांदरे नाचे सका नाचले के हड्डी, नाचते कि नहीं नाचते, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। ये दो रंगी वाली चाल अल्लाह को पसंद नहीं। जिन जिन लोगों ने हाथ उठाकर ये कहा हम अल्लाह के वफादार बनेंगे, और जो लोग जाकर मीलाद में नाचते हैं वो अल्लाह के गद्दार हैं। रसूल, मैं तो कहता हूं, मैं तो कहता हूं उलमाए इकराम की मौजूदगी में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए हैं, मौर्रिखीन का इख्तलाफ है। बोलो किसका इख्तलाफ है? अगर मान लो 12 रबीउल अव्वल में हुजूर पैदा हुए, तमाम मौर्रिखीन का इत्तेफाक है इस बात पर 12 रबीउल अव्वल में हुजूर वफात पाए। हुजूर क्या पाए? बोलो भाई। अरे वफात कब पाए हुजूर? बोलो 12 रबीउल अव्वल को हुजूर वफात पाए, 12 रबीउल अव्वल को हुजूर पैदा हुए। अब अल्लाह से पूछो, ए परवरदिगारा, ए रब्बुल आलमीन, आपने रहमतुल आलमीन को 12 रबीउल अव्वल को पैदा किया, 12 रबीउल अव्वल को वफात दी, 12 मीलादुन नबी भी है, 12 वफातुन नबी भी है, अल्लाह हम करें तो क्या करें, अल्लाह हम करें तो क्या करें, अल्लाह हम करें तो क्या करें, क्या 12 रबीउल अव्वल को जश्न मनाएं या 12 रबीउल अव्वल को मातम करें जैसे करबला में किया जाता है, लोग करते हैं। हालांकि मातम करना नहीं, मैंने शेर समझा दिया, पढ़ दिया। अब अल्लाह जवाब दे रहा है, तुम वो करो जो सिद्दीक अकबर ने किया, तुम वो करो जो उमर फारूक ने किया, तुम वो करो जो उस्मान ने किया, तुम वो करो जो अली ने किया, तुम वो करो जो खुलफाए राशिदीन ने किया, तुम वो करो जो दौरे सिद्दीकी में, दौरे फारूकी में, दौरे उस्मानी में, दौरे अलवी में किया गया, तुम वो करो। अब जरा तारीख के वरक पलटा कर देखो उसमें क्या किया गया, ना खुशी ना मातम, ना खुशी ना मातम। अब तारीख से पूछो, अरे भाई तुम भी अजीब हो, हम खुशी मनाने के बारे में सोचते हैं तो तुम्हारे यहां खुशी नजर नहीं आती, हम गम मनाने के बारे में सोचते हैं तुम्हारे यहां गम नजर नहीं आता, क्या हिकमत है परवरदिगार? अल्लाह ये हिकमत समझाते हैं, जब तुम्हें मीलाद की खुशी तुम्हें उछलने पर, तुम्हें खुशी मनाने पर, तुम्हें आजाद होने पर, तुम्हें शादमा होने पर, तुम्हें फरहत को मनाने पर जिस वक्त तुम्हें आमदा करे, उस वक्त उसी दिन मदीने का वह माहौल जो 12 रबीउल अव्वल को सरकार की वफात पर हुआ, मदीने का वह माहौल जिसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सलाम का जवाब देने को तैयार नहीं, मदीने का वह माहौल जिसमें तमाम औरतें अपने आप को गिरियाजारी के साथ सड़क पर उठकर निकाल दी, मदीने का वह माहौल जिसका बच्चा बच्चा यतीम समझने लगा, मदीने का वह माहौल जिसमें आंसुओं का समंदर बहने लगा, मदीने का वह माहौल जिस दिन मदीना पूरा सिया हो चुका था, वो माहौल तुम्हें खुशी मनाने को कहता है? फिर हम क्या मातम मनाएं? क्यों मनाओगे भाई? सरकार की पैदाइश हुई है, हुजूर की पैदाइश पर तुम मातम मनाओगे? करें क्या करें, छुप, नमाज पढ़ो, अपना अपना काम करते रहो,
سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. فرمایا بس دعا کرتے رہو نماز پڑھ کر, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. جیسے وہاں سلام کہا نہیں, حضور کی پیدائش پر بھی سلام پڑھ لو, حضور کی وفات پر سلام پڑھ لو. جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تو تمہارا کام کیا, نماز پڑھ لو سلام پڑھ لو. بس کچھ نعتیں اپنے آپ سن لو, اپنے آپ پڑھ لو, جس میں حضور کا حضور کی خوشی بھی ہو اور حضور کا غم بھی ہو. تمہیں کچھ نہیں کرنا, ورنہ جشن مناؤ گے تو یہودی خوش ہوں گے کیسے پاگل ہیں, اپنے نبی کی وفات کے دن جشن منا رہے ہیں, یہ غدار نہیں ہیں تو وفادار ہیں. اپنے باپ کے انتقال کا دن جشن مناتے ہو, اپنے نبی کے انتقال کے دن جشن مناتے ہو, اپنے مدینے کے سیاہ کے دن جشن مناتے ہو, جس دن تمام عورتوں نے بچوں نے اپنے آپ کو بے قابو کر دیا اس دن جشن مناتے ہو, جس دن صحابہ کرام سب کے سب اپنے آپ میں نہیں رہے اس دن تم جشن مناتے ہو. تو ہمیں کچھ نہیں منانا ہے. کتنے مرتبہ ربیع الاول صحابہ تابعین تبع تابعین اولیاء کے زمانے میں آیا, انہوں نے کوئی جشن منایا نہیں منایا. اور آج کل اتنے ذلیل لوگ ہو چکے ہیں کہ جس وقت نمبر آتا ہے عید میلاد کا, کیک کاٹتے ہیں کیک کیا کہتے ہوئے, ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ, ہیپی برتھ ڈے نعوذ باللہ یا رسول اللہ, ہیپی برتھ ڈے یا نبی اللہ, ہیپی برتھ ڈے یا خیر خلق اللہ. واہ واہ کیا مسلمانہ جی, کیا مسلمانہ. حضور نے فرمایا تم مجھے عیسائیوں کی عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح عیسائیوں نے بنا لیا ایسا مجھے مت بناؤ. ان لوگوں نے ان کے برتھ ڈے کو کرسمس بنایا, ایسا مجھے مت بناؤ, مت کرو ایسا. آپ نے کہا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو اور تم ان کی نقش قدم پر ہیپی برتھ ڈے منا رہے ہو حضور کی, جس دن سرکار کا وصال ہوا اس دن تم کیا بنا رہے ہو. اب تم نہ وفادار بولنا غدار بولنا, کیوں بھائی, توبہ کی چیز ہے کہ نہیں ہے. اس طرح کی بہت سارے خرافات کو جناب حسین صاحب نے ختم کیا. نیت کرو انشاءاللہ, مجھے جس وقت گدک کا, میں تو کوئی نیا انسان تو نہیں ہوں, ایک عرصہ ہو گیا یہاں آتے جاتے ہیں. جب پہلے میں آیا تھا مجھے ان بچوں نے ایک عجیب بات سنائی, حضرت ہمارے یہاں بڑی اتفاق ہے, ہمارے نام میں خود اتفاق, ادھر سے پڑھو تب بھی گدک, ادھر سے پڑھو تب بھی. کائنات میں کوئی ایسا نام نہیں ہوگا جو دائیں سے پڑھو تب بھی اتفاق, بائیں سے پڑھو تب بھی اتفاق. اور اس وقت کہا تھا یہاں کوئی اور مذہب والا مسلک والا نہیں ہے, جو ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے. شاید پرانے لوگ جانتے ہوں گے, ہمارے حضرت کی صدارت ہی میں وہ بات ہوئی تھی, تمام علماء کرام موجود تھے رد قادیانیت پر 2004 میں یا 2005 میں, جب ہم اپنے ابتدائی زمانے پر آئے ہوئے تھے تو مسجد کے صحن میں جلسہ ہوا تھا. شاید یہاں کے حاضرین میں بہت سارے لوگ وہاں کے حاضرین بھی تھے ہوں گے. اس وقت اتنی خوشی ہوئی تھی قادیانیت کی تردید میں نقد تشکیل ہوئی, جماعتیں عشرے کے لیے تیار ہوئی. یہ عہد لے کر ان لوگوں کے اٹھا کہ ہم جب تک ان علاقوں سے قادیانیت کو ختم نہیں کریں گے واپس نہیں آئیں گے. اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے چند ہفتے میں قادیانیوں کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا. وہ آپ ہی لوگ تھے یا کوئی اور تھا, وہ یہی گدگ ہے یا کوئی اور گدگ ہے,
वो इसी कलीमे के पढ़ने वाले थे, कोई और कलीमा पढ़ने वाले थे, वो यहीं के बाशिंदे थे या किसी और के बाशिंदे थे? कौन थे वो? वो आप ही लोग थे। कभी कभार शेर गीदड़ों के साथ रह रहकर वो अपने आप को शेर होना भूल जाता है, तो आपको याद दिलाना पड़ता है तुम लोग एक जमाने के वो लोग हो जिन्होंने हफ्तों में बातिल को यहां से खत्म कर दिया। जब आप ही लोग हो, नीयत करो इंशाल्लाह फिर दोबारा हम वो दौर लौट आएंगे 2004 का 2024 में, 2004 का 2024 में दोबारा वो दौर लाएंगे, दोबारा वो तहरीक पैदा करेंगे, दोबारा वो जज्बा पैदा करेंगे, दोबारा वो अजाइम पैदा करेंगे कि जितने हमारे इलाके में खुराफात हो रहे हैं इन सब में जो शरीक हैं वो हमारे ही पुराने भाई हैं, वो हमारे ही दोस्त हैं, वो हमारे ही यार हैं, वो हमारे ही जाने जिगर हैं। उनको जाकर प्यार और मोहब्बत से समझा कर इंशाल्लाह इस मर्तबा के 12 रबीउल अव्वल को सुन्नत के साथ मनाएंगे, शरीयत के साथ मनाएंगे, वो तरीके से मनाएंगे जिस तरीके से हम पहले, जैसे पहले वो स्कूल में आप लोग सबके सब मिल जुड़कर सीरतुल नबी में आप कुछ खैर वसल्लम की सीरत सुनते थे, सुनाते थे, कितने गैर मुतासिर होते थे। कोई इंशाल्लाह दोबारा हम खुराफात को खत्म करेंगे। और याद रखो नौजवान ही ये सब करते हैं और नौजवान बड़े भोले भाले होते हैं। हुजूर ने फरमाया खालफनिय शुबान हालफनिय शबाब, खालफनिय शियुख हालफनिय शबाब, दोनों ने मुखालफत की, बड़ों ने भी जवानों ने भी, लेकिन बड़ों ने मुखालफत की दिल और दिमाग से, जवानों ने मुखालफत की जुबान से। जुबान से मुखालफत करने वालों को थोड़ा समझाओगे समझ जाएंगे, फिर क्या होगा? नुसिरतु बिशबाब, अल्लाह ने उन्हीं नौजवानों से मेरी मदद की इस्लाम की फरोख के लिए। तो आज आप सबसे गुजारिश करता हूं वो नौजवानों को आप हजरात जोड़ें, बिठाएं, समझाएं प्यार मोहब्बत से, नौजवान समझ जाएंगे, खुराफात ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह इस मजलिस को ईसाले सवाब का सबब बनाए, अल्लाह ताला मरहूम की मफ़रत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए, खुसूसन हमारे इन बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए, उनके मोहतरमा को अल्लाह हिम्मत और हौसला नसीब फरमाए। बाप का तो कोई नेमल बदल नहीं होता, ना माँ का कोई नेमल बदल होता है, बस अल्लाह बाप की हिम्मत इनको नसीब फरमाए और अल्लाह ताला इनके जरिए से उस तलाफी की, उस खला की अल्लाह तलाफी फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ भाई 22-23 को मस्जिदवार जमात का जोड़ है मरकज में, तो तमाम साथी अपने अपने दोस्तों अहबाब को लेकर इंशाल्लाह हम वहां पहुंचने का निजाम बनाए, सब करेंगे भाई, खूब जम कर दावत चलाना है, सबको लेकर आए, उनको भी लेकर आना है। किनको बोलो, समझ रहे नहीं समझे? अरे भाई समझे कि नहीं समझे? उनको भी लेकर आना, उनको भी कहना है यू आल्सो अस। क्या मतलब? तुम भी हम ही हो, तुम भी, तुम कोई और नहीं हो, तुम कौन हो? हम हो। और हम कौन है? तुम है। तुम कौन है? हम है। जब ये कह दोगे तो वो आ जाएंगे, बुला कर लाएंगे जरूर। اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الخلق كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا خالق أنفسنا يا غاية رغبتنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من القاسرين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ممسك السماوات والأرض ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من
من القاسرين يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك نسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من نحييته منا فهي للإسلام ومن توفيته منا فتوفه الإيمان اے اللہ اے کریم آقا اے رحیم آقا اے منعیم اے محسن ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے خطاؤں سے درگزر فرما جان کر انجانے میں جو کچھ غلطی ہم سے سرزد ہو چکی ہے معاف فرما دے اللہ 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 یا اللہ یا اللہ ہم بے حس ہو چکے ہیں کتنے گناہ کر چکے لیکن حساب و کتاب ہم بھول گئے تجھ سے معافی مانگنا بھول گئے شیطان نے ہمیں بزرگ سمجھا دیا شیطان نے ہمیں نیک سمجھا دیا شیطان نے ہمیں پاک سمجھا دیا شیطان نے ہمیں برگزیدہ سمجھا دیا ہم تو اپنے آپ کو نیک اور پارسا سمجھنے لگے ہم کتنے خطا کار ہیں تو جانتا ہے ہم خود جانتے ہیں یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے بھی معاف فرما دے معاف فرما دے معاف فرما دے یا اللہ یہ مجلس مرحوم حسین صاحب کے عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس ہے یا اللہ اس میں جو کچھ عزائم ہوئے جو کچھ نیتیں ہوئی جو کچھ یا اللہ ساتھیوں نے ہاتھ اٹھا کر نیتیں کی ہیں ان سب کو قبول فرما مرحوم کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فیصلے فرما تمام دائی جتنے دنیا سو چکے ان سب کے لیے عیسیٰ علیہ السلام بنا دے تمام اولیاء کا عیسیٰ علیہ السلام بنا دے تمام بزرگوں کا عیسیٰ علیہ السلام بنا دے تمام صحابہ کا ہی سارے ثواب بنا دے یا اللہ تیرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمیت تمام انبیاء کے لیے سارے ثواب بنا دے یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں جیسے انہوں نے زندگی گزاری ویسی پاک زندگی ہمیں نصیب فرما ہمت والی زندگی نصیب فرما سخاوت والی زندگی نصیب فرما شکر والی زندگی نصیب فرما تہجد والی زندگی عطا فرما تیری نسبت والی زندگی عطا فرما یا اللہ تیرے لیے جینا تیرے لیے مرنا مقدر فرما انعمت علیہم وللضالین ہم نے مانگا ہے یا اللہ تیرے انعام کردہ بندوں کے نقش قدم پر ہمیں چلا دے تیرے غضب جن لوگوں پر نازل ہوا ہے ان سے بچا لے یا اللہ ان سے ان کے نقش قدم پر چلنے سے بچا لے اتحاد اتفاق نصیب فرما اتحاد اتفاق نصیب فرما اتحاد اتفاق نصیب فرما حاضرین مجلس میں بہت ساروں کے دلوں میں اپنی اپنی تمنائیں ہیں یا اللہ ان تمناؤں کو پورا فرما یا اللہ بہت سارے تکلیف میں مبتلا ہیں تکلیف کو دور فرما بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفائے عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما یا اللہ اپنے دل میں بڑا درد چھپائے ہوئے ہیں سوائے تیرے کسی اور کے سامنے بیان نہیں کر سکتے ان کے درد کی دوا دے دے ان کے درد کی دوا دے دے ان کے درد کی دوا دے دے اے اللہ دعوت کے کام کو یا اللہ اتحاد اتفاق کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ باطل شکن بنا دے ہم سب کو باطل شکن بنا دے ہم سب کو باطل شکن بنا دے یا اللہ ہماری موت ہو تو لوگوں اپنے ہماری رخصتی پر آنسو بہائے یا اللہ ہم ہنستے ہوئے تیرے پاس آ جائے ایسے فیصلے فرما یا اللہ مثالی زندگی ہمیں نصیب فرما مثالی زندگی ہمیں نصیب فرما جناب حسین صاحب کے پریوار کو قبول فرما ان کے نسلوں کو قبول فرما ان کے بچوں کو قبول فرما ان کو ہمت اور حوصلہ نصیب فرما یا اللہ ان کے نسلوں میں علماء داعی مفتیان اکرام اولیاء اللہ پیدا فرما یا اللہ ان کے نیک صفت ان کے نسلوں میں ہم میں سے ہر ایک کے یا اللہ نسلوں میں وہ فطرت نصیب فرما یا اللہ ہر ایک کو وہ فطرت نصیب فرما یا اللہ جو بھی کام انہوں نے خیر کا کیا ہے سب کو اپنے دربار میں شرف قبولیت سے نواز دے جو کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ان سے ہو چکی ہیں اپنے فضل سے معاف فرما دے یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی نصیب فرما جو مانگنے سے رہ گئے ہمارے لیے بے حد ضروری ہے وہ سب نصیب فرما یا اللہ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے لکھی ہے متوقع ہیں یا امید رکھتے ہیں کہ ہم ان کے حق میں دعا کریں گے سب کے حق میں خیر کا فیصلہ فرما یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے ہندوستان میں امن پیدا فرما ہمارے ہندوستان میں امن پیدا فرما جتنے اس وقت یا اللہ
फिरौन हामान और शद्दाद और नमरूद की शक्ल के लोग मौजूद हैं, उन सब से हिंदुस्तान को नजात अता फरमा, आजादी अता फरमा। या अल्लाह मुसलमान आजाद होने के बावजूद, या अल्लाह ये मुकैद है, आजाद होने के बावजूद ये पाबंद है, आजाद होने के बावजूद ये परेशान है, आजाद होने के बावजूद या अल्लाह इसकी इज्जत नहीं है। ए अल्लाह सबके अपने फजल व करम से शान के शौकत के मकाम व मर्तबे के फैसले फरमा, या अल्लाह इज्जत और एहतराम के फैसले फरमा, अपने फजल का मामला फरमा, अपने करम का मामला फरमा। या अल्लाह बहुत सारे बीमार हैं शिफा दे दे, मुकदमात में फंसे हैं रिहाई के फैसले अता फरमा दे। या अल्लाह जो कर्जदार हैं कर्ज के अदायगी शक्ल सूरत पैदा फरमा। या अल्लाह घर में या इख्तिलाफ है इंतशार है सबका खातिमा फरमा। या अल्लाह अमन के साथ जीकर अमन के साथ मरने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना मा काना सालिहा वसिना मा काना फसीदा बिरहमतिक या अरहम राहिमीन। जो मस्टर आते हैं पहले वो खाना खाए, खाकर अपने अपने घरों में जाकर नमाज पढ़ने की फिक्र, और हमारे जो साथी खिदमत के